हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएम फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंकोमाइसिन इंजेक्शन। आज हम आपको लिंकोमाइसिन इंजेक्शन के यूज, साइड इफेक्ट और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बताएंगे जो आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे, और इसकी डोज बच्चों में और बड़ों में कितनी देनी चाहिए सब बताते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंकोमाइसिन, लिंकोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। इट इज यूज्ड बोथ ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड ट्रीट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन। लिंकोमाइसिन इंजेक्शन जो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल दोनों बैक्टीरियाज में होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज में भी इसका इस्तेमाल होता है लिंकोमाइसिन का। जैसे एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है ये लिंकोमाइसिन इंजेक्शन जो है। और लिंकोमाइसिन इंजेक्शन का जो यूज होता है, जो डॉक्टर सबसे ज्यादा यूज कराते हैं, वो यूज होता है इसका लंग्स इन्फेक्शन में, निमोनिया में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, बोन एंड ज्वाइंट, मतलब फेफड़ों में। जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका अच्छा यूज होता है, निमोनिया में भी। और स्किन के, जैसे स्किन जो टिश्यू होते हैं हमारे, स्किन टिश्यू में दिक्कत हो जाती है, जैसे पसीने ज्यादा आने लगता है, और जैसे फंगल इन्फेक्शन रहता है उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है लिंकोमाइसिन का। और हड्डियों में और जॉइंटों में तो इसका है ही इस्तेमाल लिंकोमाइसिन का। अब लिंकोमाइसिन के ये कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे ब्लैक स्टूल आना, मतलब ब्लैक पोटी होना, कफ, खांसी के साथ कफ आने लगता है, और चिलीज, मतलब हाथ पैर जो है ऐसे हो जाते हैं, सनसनाहट सी होने लगती है, खुजली सी होने लगती है हाथ पैरों में इसके साइड इफेक्ट में लिंकोमाइसिन के। स्टमक पेन, वोमिटिंग, ये कुछ इसके नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं। अब हम इसके आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बताएंगे जो आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे, और इसकी डोज क्या है, कितनी डोज आपको देने चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, कम इन्फेक्शन में कितनी देनी चाहिए, ज्यादा इन्फेक्शन में कितनी देनी चाहिए, सब बताएंगे। लिंकोमाइसिन की ये कुछ पॉपुलर कंपनियां, मतलब पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। जैसे पहला है आपका लाइनेक्स, ये वॉलेस कंपनी का आता है, लाइनेक्स इंजेक्शन ये वॉलेस कंपनी का है। दूसरा था आपका लिंकोसिन, ये फाइजर कंपनी का है। तीसरा था आपका लोनिक, ये बॉश कंपनी का है। ये मतलब पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका जेनरिक नेम यही रहेगा, लिंकोमाइसिन। और इसकी जो डोज है लिंकोमाइसिन की, कुछ एक और एक डोज नहीं है, ये डोज जो है इसकी पेशेंट के अनुसार डोज होती है। अगर जैसे कि आपका ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो दिन में एक एम्पुल लगा सकते हैं आप। इसका 2 ml का एम्पुल आता है जिसमें 300 mg पर ml होता है। लिंकोमाइसिन में 2 ml का एम्पुल होता है जिसमें 300 mg पर ml होता है, मतलब टोटल पूरा 2 ml का एम्पुल हो गया वो आपका 600 mg में हो जाएगा। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट के तो आप दिन में 2 ampoule भी लगा सकते हैं। इसका यूज इंट्रावेनस एंड इंट्रा मस्कुलर, मतलब IM और IV दोनों तरीके से यूज हो सकता है। और इसका यूज लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें आप, बिना डॉक्टर का कंसल्ट करें नहीं लें दवा को। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर